नमस्कार, हिमाचल तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले विस्तृत से खबरों को जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। पैराग्लाइडिंग पर प्रतिबंध के बीच पीच साइड से पैराग्लाइडरों ने भरी उड़ान। कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ लगती पीच साइड से आज प्रतिबंध के बावजूद पैराग्लाइडर की उड़ानें हुई। कुल्लू जिला में 15 सितंबर तक साहसिक गतिविधियों, रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग पर प्रतिबंध लगा हुआ है। पीज साइड से कुछ पैराग्लाइडरों से उड़ान भरी और ढालपुर में लैंड किया। हालांकि कुल्लू में जश्न आज़ादी कार्यक्रम के लिए पीज से 100 पैराग्लाइडरों ने तिरंगे के साथ उड़ान भरनी थी। वहीं भारी बारिश के बाद जश्न आज़ादी कार्यक्रम स्थगित किया गया। 15 अगस्त को कुछ पैराग्लाइडरों ने पीज से ढालपुर के लिए उड़ान भरी। पैराग्लाइडरों को एक दिन की स्पेशल परमिशन मिली थी, जबकि व्यावसायिक उड़ानें जिले में बंद हैं। वहीं आज दिन के समय पीज साइट से पैराग्लाइडर उड़ान भरते रहे। बता दें कि इससे पहले भी विभाग साइट में ऑपरेटरों की ओर से नियमों का उल्लंघन का मामला सामने आया था, जिसके बाद पर्यटन विभाग की ओर से कार्रवाई करते हुए ऑपरेटर को नोटिस थमाया गया था। हालांकि पर्यटन विभाग की ओर से प्रदेश सरकार को कुल्लू में बरसात के दौरान पैराग्लाइडिंग जारी रखने के लिए प्रपोजल भेजा गया था। राधा स्वामी सत्संग व्यास ने आपदा राहत कोष में दिया 2 करोड़ रुपए का चेक। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को राधा स्वामी सत्संग व्यास के प्रतिनिधियों ABM सेवानिवृत्त DS गुरुम और क्षेत्रीय सचिव सुनील तलवार ने आपदा राहत कोष के लिए 2 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संकट की घड़ी में इस तरह के योगदान पीड़ितों की मदद के लिए सहायक सिद्ध होंगे। इस अवसर पर DS गुरुम ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में राधा स्वामी सत्संग ब्यास प्रदेश के लोगों और राज्य सरकार को हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री व राज्यपाल ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर रिज पर स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक कुशल वक्ता और स्पष्टवादी नेता थे। सभी राजनीतिक दलों के नेता उनका आदर करते थे। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्श सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, उप महापौर उमा कौशल, पार्षदगण DC आदित्य नेगी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। वहीं राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के स्मृति दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हिमाचल में 13 और लोगों की मौत, शिमला में स्लाटर हाउस समेत गिरे 7 भवन। हिमाचल प्रदेश में मौसम का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में 13 लोगों की मौत हो गई है। राजधानी शिमला में नगर निगम के स्लाटर हाउस समेत 7 भवन जमींदोज हो गई है। इसमें 2 लोगों की दबकर मौत हो गई। राजधानी के ही समर हिल में भूस्खलन से जमींदोज हुए शिवबाड़ी मंदिर के मलबे से 5 और शव निकाले गए हैं। इस घटना में अब मृतकों की संख्या 13 पहुंच गई है। इसके अलावा कुल्लू के आनी में 3 और किन्नौर के पांगी गांव के धुनंगकंडे काशंग नाला में 2 जबकि चंबा में 1 मौत हुई है। 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट की परीक्षाएं 4 सितंबर से। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक की कंपार्टमेंट परीक्षाएं अगले महीने लेगा। परीक्षाएं 4 सितंबर से शुरू होंगी और 22 सितंबर तक चलेंगी। शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि 9वीं और 11वीं कक्षा की कंपार्टमेंट परीक्षाएं 12:45 से 4:30 तक चलेंगी। वहीं 8वीं 10वीं व 12वीं कक्षा के नियमित परीक्षार्थियों की परीक्षाएं 8:45 से 12:00 और SOS परीक्षार्थियों की परीक्षाएं 1:45 से 5:00 तक होंगी। हिमाचल BJP ने मुआवजा राशि पर उठाए सवाल। बिंदर बोले, नाहन में घरों को 50% से 100% नुकसान, पीड़ितों को 5,000 की मदद दी। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी ने मुआवजा राशि पर सवाल खड़े किए हैं। BJP प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदर ने कहा कि नाहन में करीब 12 घरों को 50% से 100% तक का नुकसान हुआ है।
बावजूद इसके उन्हें सिर्फ 3,000 से 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। वहीं बिंदल ने कहा कि उन्होंने नेहली धीड़ा पंचायत के मलगांव और गरजड़ा गांव का दौरा किया तो पता चला कि चेही मेहडोंग गांव में न केवल घर बल्कि किसानों की फसलें भी खेतों में ही तबाह हो गई। 12 से 18 जुलाई के बीच बारिश से इन दोनों गांव में भारी तबाही हुई है। तहसीलदार और पटवारी ने पीड़ित परिवारों को इतनी कम सहायता राशि दी है। C&B श्रेणी के अध्यापकों की भर्ती काउंसलिंग 22 से 24 तक। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से C&B श्रेणी के अध्यापकों की भर्ती के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सभी पात्र अभ्यर्थी 22 से 24 अगस्त तक होने वाली काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजीव ठाकुर ने बताया कि सिरमौर, सोलन, शिमला और लाहौल स्पीति जिले के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 22 अगस्त तक होगी। वहीं कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर जिले के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 23, मंडी, किन्नौर, कुल्लू और चंबा जिले के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 24 अगस्त को होगी। काउंसलिंग प्रक्रिया उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा सिरमौर के नाहन कार्यालय में सुबह 10 बजे शुरू होगी। CM बोले, राज्य में 800 करोड़ से जल निकासी प्रणाली को किया जाएगा मजबूत। भविष्य में आपदाओं के प्रभाव को कम करने और राज्य के शहरी जल निकासी प्रणालियों को मजबूत करने व पहाड़ी अस्थिरता को रोकने के उचित प्रबंधन को लेकर राज्य सरकार एक व्यापक दीर्घकालिक आपदा योजना तैयार कर रही है, जिसके कार्यान्वयन के लिए लगभग 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इससे भविष्य की आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकेगा। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने यह बात शिमला के लालपानी में हुए भूस्खलन क्षेत्र का दौरा करने के उपरांत कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शहरी जल निकासी प्रणाली को मजबूत करने और पहाड़ी अस्थिरता को रोकने के लिए उचित जल प्रबंधन की आवश्यकता है। राज्य सरकार जल निकासी प्रणालियों को मजबूत करने और निर्माण के लिए ठोस संरचनात्मक डिजाइन सिद्धांतों की एकीकृत करने के लिए एक व्यापक योजना विकसित की जाएगी। परीक्षाएं स्थगित, इगडोल में बीएड काउंसलिंग भी स्थगित, लाइब्रेरी 20 तक बंद। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने भारी बारिश व आपदा के कारण सभी परीक्षाएं तथा कक्षाएं स्थगित कर दी हैं। इसके अलावा 19 तक स्कूलों को भी बंद किया गया है। बता दें, विश्वविद्यालय में PG और BEd की परीक्षाएं 8 अगस्त से चल रही हैं। रविवार और सोमवार को हुई भारी बारिश व लैंडस्लाइड के कारण विश्वविद्यालय ने 19 तक होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक JS नेगी ने बताया कि स्थगित परीक्षाओं का नया संशोधित शेड्यूल जल्द जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि 19 अगस्त के बाद होने वाली परीक्षाओं के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यदि प्रदेश में भारी बारिश व लैंडस्लाइड का दौर यूं ही जारी रहता है तो विश्वविद्यालय परीक्षाओं को स्थगित करने के बारे में विचार करेगा। भर्ती नियमों के विपरीत कर्मचारी की पदोन्नति गलत, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारी की पदोन्नति के मामले में अहम व्यवस्था दी है। न्यायाधीश सत्यन वैद्य ने निर्णय में कहा कि भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के विपरीत की गई भर्ती कानूनन गलत है। अदालत ने नियमों में अयोग्य वन रक्षक की पदोन्नति को निरस्त कर दिया। वहीं इसके अलावा अदालत ने वन विभाग को आदेश दिए कि वो याचिकाकर्ता को वन रक्षक के पद पर पदोन्नत करे। याचिकाकर्ता राजकुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने यह निर्णय सुनाया। तो यही आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।